ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لغدة من لساني يفقه قولي हर कस्म की तारीफ़ हमदोसना, किबरियाई और बड़ाई उसी रब्लत के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है और इसी तरह उसके आख़री नबी अलैहि वसल्लम पर बेशुमार सलाम। हमदोसना के बाद मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों आज इस जुमा के ख़ुतबे में मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम बातें रखने की कोशिश करूँगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा है जिसे हज्जतुल विदा का खुतबा कहते हैं उसमें से चंद अहम बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा ज़रा ग़ौर से सुनना मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फ़ज़ल है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है बहुत बड़ा करम है कि हम लोग यहाँ आज ईद की नमाज़ चैन व सुकून अमन और शांति के साथ ईद की नमाज़ अदा कर चुके और अहमद इतने ही चैन व सुकून के साथ हम लोग अभी घरों को जाएंगे और औरबानियाँ देने वाले वालेबानियाँ भी देंगे और अलहमद अल्लाह के फ़लो करम से हम चैन व सुकून के साथ हमारे घरों में आज अच्छे अच्छे पकवान बना के खाते भी हैं लेकिन हमारे कितने ऐसे मुसलमान भाई हैं कितने ऐसे मुसलमान बहने हैं इस वक़्त उन लोगों को ये ख़ुशी नसीब नहीं है आप लोगों ने देखा होगा कल अगर जो न्यूज़ आई है ख़ास तौर से फ़लस्तीन से जो तस्वीर आए हैं वो लोग भी कल ईद की नमाज़ अदा कर चुके लेकिन हमारी तरह चेन सुकून के साथ बैठ के नहीं हमारी तरह सुकून के साथ इस तरह मस्जिदों में बैठ के नहीं बल्कि उनके टूटे हुए घरों के दरमियान उनकी गिरी हुई छतों के दरमियान वो ईंटों और सलाखों के दरमियान वो लोग भी नमाज़ पढ़े आज हम यहाँ पर इतने चैन व सुकून के साथ हैं लेकिन उन लोगों को ये चैन व सुकून वहाँ पर नसीब नहीं है उन लोगों के लिए हमारे जैसे खाने नसीब नहीं है, उन लोगों के लिए हमारी तरह की एक ख़ुशी नसीब नहीं है उसके बावजूद उनकी ज़ुबानों से आप सुनते हैं अल्लाह अकबर के नारे उसके बावजूद वो लोग अपनी ज़ुबानों से अकबर कहते हैं किसी का बाप नहीं है तो किसी की माँ नहीं है किसी के बच्चे नहीं है किसी के हाथ टूटे हुए किसी के पैर टूटे हुए रो रो के बिलक बिलक के जिंदगियां गुजार रहे हैं पता नहीं आज है कल रहेंगे या नहीं रहेंगे उनकी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं अल्लाह के लिए गौर करना उन लोगों के लिए दुआएं भी करते रहना मेरे भाइयों वो हालात हमारे पास नहीं है ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है बहुत बड़ा शुक्र है उसके बावजूद हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में भी अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो आपको मालूम है कई हमारे भाई जेल के सलाखों के पीछे है कल ईद है आज जेलों के अंदर पड़े हुए हैं उन लोगों के घरों में भी वो खुशी नहीं है तो हालात बहुत बुरी तरह से बदल रहे हैं मेरे भाइयों उसके बावजूद हमारी हालत ये है कि हम लोग सुधरने का नाम नहीं लेते ये हालात कई दिनों से देख रहे हम लोग कई सालों से देख रहे उसके बावजूद भी हम लोगों को ये एहसास नहीं है कि अल्लाह ताला का इतना बड़ा फ़जल है कि अल्लाह ताला हमको तो ये चैन सुकून और खुशी की ज़िंदगी दे रहा है तो कम अज़ कम हम उसका शुक्रिया अदा करें उसके शुक्रगुजार बंदे बने उसकी नाफरमानी से बचें उसके घर को आबाद करें मस्जिदों को आबाद करें पाँच टीम की नमाज़ पढ़ने वाले बन जाए गुनाहों से बचने वाले बन जाए सूद को ख़त्म करे जिना को ख़त्म करे हर तरह के हराम कामों से बच के हम मुखि परहेजगार बन जाए कम अज कम नमाजी तो पांच टीम के बन जाए ताकि अल्लाह का जो वादा है अल्लाह तला नमाजियों की अल्लाह तला मोमिनों की मदद करेगा कहां है आज वस्ताइनु बिस्वरी वसला अल्लाह कहा अल्लाह की मदद नमाज के साथ है अल्लाह की मदद सबर के साथ है लेकिन हम लोग है कि अल्लाह के, अल्ला के आजाब को दावत दे रहे हम लोग नमाजों को छोड़ के ये बोल रहे कि अल्लाह तेरा आजाब आने दे हम वेलकम कर रहे तेरे आजाब का ऐसी गफलत की जिंदगी गुजार रहे मेरे भाइयों जहां सूद आम हो जाता जहां जिनाकारी आम हो जाती, जहां नाच गाना आम हो जाता वहां पर अल्लाह का आजाब आता कितनी मरतबा हम लोगों ने नहीं सुना उसके बावजूद हम लोग जिनाकारी में सूद में मुलविस है ऐसे बड़े बड़े गुनाह करने से अल्लाह तला का आजाब आता मेरे भाइयों वो दिन हमारे घरों में आ पहुंचने से पहले वो आजाब वो दुश्मन हमारे घरों में आ पहुंचने से पहले हम सच्ची तोबा करने वाले बने हम लोगों को आज हमारी ईदों का हमारी नमाजों का हमारी इबादतों का मकसद ही मालूम नहीं रहा रमज़ान अभी अभी गुजरा कि नहीं रमजान में सब के सब नमाजी बन के नजर आए रमजान में पूरी मस्जिदें भरी हुई थी असल में रमजान ये सबक देके गया कि ये एक महीने का ट्रेनिंग है ए मुसलमानों जैसा अल्लाह से डरते हुए अल्लाह देख रहा बोल के तुम खाना पीना बंद करे इसी तरह पूरे एक साल में भी अल्लाह देख रहा बोल के तुम गुनाहों से भी बच के रहो दूर रहो ये सबक दिया था लेकिन रमजान जैसे ही ख़त्म हो गया हम लोग वो सबक सीखे ही नहीं मकसद ही मालूम नहीं हुआ सब नमाज़ों को छोड़ दिए सब हराम कामों में मुलविस हो गए इसी तरह ये ईद उल का मौका ये बकरीद का मौका ये भी एक सबक देता है तुम अब जाके घरों में अपने जानवरों के गर्दनों पर छुरी रखने से पहले ये नियत करो जैसे दीन के लिए इब्राहिम आलम क्या क्या कुर्बानियाँ दिए तुम भी आए मुसलमानों वैसी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हो जाओ सिर्फ जानवर जुबा करना असल मकसद नहीं है उससे पहले अपने ख्वाहिशात को जुबा करो उससे पहले हमारे अपने नींद को कुरबान करो फजर की नमाज के वक़्त बुराइयों के लिए जब दिल में चाहत ख्वाहिश होती है उन ख्वाहिशों को कुरबान करो पहले अल्लाह के लिए क्या कुरबानी कर रहे हैं ये सबक था असल में ये सबक नहीं सीखे सिर्फ रस्मी तौर पर हम लोग जिंदियाँ गुजार रहे ऐसा नहीं होना मेरे भाई कुछ तो भी हमारे अंदर तब्दीली आना चेंज आना हम लोग ये तमाम गुनाहों से कब बचेंगे हम लोग कब पांच टेम की नमाजी बनेंगे जब हमारे पास इल्म होगा हमारा ईमान मजबूत होगा तब जाके हम लोग दीन की तरफ नेकियों की तरफ खरीब होंगे मेरे भाई इसलिए इल्म सीखने की जरूरत है तो बहरियाल आज मैं हज्जतुल विदा में हज्जतु अल्लाह के वसल्लम जो खुतबा दिए उसमें से कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा अगर हम हदीसें देखेंगे अलग अलग हदीसों में अलग अलग बातें बहुत सारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात हमें मिलते हैं लेकिन हजतुलवि क्या है इसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में एक हज करे और उस वक्त एक लाख से ज्यादा लोग थे सामने अल्लाह एक लाख से ज्यादा मजमा था उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा देखिए पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं नहीं समझता आए लोगों मैं नहीं समझता कि आइंदा साल भी हम इस तरह जमा होंगे यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का वक्त भी करीब था तो कहा आइंदा इस तरह जमा होंगे मुझे तो उम्मीद नहीं है उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ लोगो दीन मुकम्मल हो गया है ऐ लोगो हमारा दीन मुकम्मल हो गया जैसा कि सूरह माईदा आयत नंबर तीन में अल्लाह ने कहा ना तहा लकुम दीन हमारा दीन कम्प्लीट हो गया मुकम्मल हो गया दीन इस्लाम मुकम्मल दीन है इसमें फिर नमाज की रोज़े की हज की जक़ात की जितने भी कुर्बानी के मसाइल हैं उसके साथ साथ जिंदगी का हर मसला जिंदगी गुजारने का हम लोगों को हमारे दिन में मिल जाता किसी और जगह देखने की ढूंढने की जरूरत नहीं है दिन कंप्लीट हो गया दिन मुकम्मिल हो गया उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आए लोगों आज कौन सा दिन है अल्लाह के वसल्लम सहाबा से सवाल करें आज कौन सा दिन है आए लोगों आज कौन सा महीना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसोल्ला सवाल करने का मतलब अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम था ऐसा नहीं है मालूम था लेकिन इसकी अहमियत बताने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करें वो दिन कौन सा था अरफा का दिन था महीना कौन सा था जुल का यही महीना था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी जान तुम्हारा माल तुम्हारी इज्जत एक दूसरे के लिए इसी तरह हुरमत वाले है जिस तरह आज का दिन और आज का इस महीना इस शहर में हुरमत है मतलब जो दिन है दिन की फजीलत है अरफा का दिन है महीना है जिल हिज्जा का महीना और शहर कौन सा है मक्का है तो मक्का जैसा एहतराम वाला है और यह महीना जैसा एहतराम वाला है यह दिन जैसा एहतराम वाला है अय मुसलमानों तुम्हारा आपस में एक दूसरे की इज्जत करना तुम्हारा एक दूसरे का माल इसी तरह एहतरा एहतराम वाला है मतलब अय मुसलमानों एक दूसरे का माल मत खाओ हराम तरीके से

किसी अरबी को अजमी पर किसी अजमी को अरबी पर किसी काले को गोरे पर किसी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत नहीं मतलब ऊंच नीच नहीं बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऊंचा नहीं होता खानदानों की वजह से गोरा रहने की वजह से पैसा रहने की वजह से अरबी है अरब का लेकिन अजमी है उसको भी इसके ऊपर कोई ऊंच नीच नहीं है आज तो हम लोग खानदानों को देख के फ़खर करते हैं खानदानों को लेके लड़ाइयां झगड़े करते हैं खानदानों को देख के शादियाँ नहीं करते अल्लाह के रसूल आखिरी खुतबे में क्या बोले कोई ऊंचा नीचा नहीं तुम सब कलमा पढ़े तुम सब बराबर हो तुम सब एक दूसरे के भाई हो यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ सबक था ये तालीम थी इसको छोड़ के हम लोग कैसे ज़िंदियाँ गुजार रहे हैं मेरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में कहा हाँ अल्लाह के नज़दीक ऊंचा वो होगा जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हो डरने वाला अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारने वाला इसका मुक़ाम ज़्यादा है लेकिन ख़ानदानों की वजह से कलर की वजह से पैसों की वजह से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खबरदार तमाम जाहिलियत के उमूर मेरे ख़दमों तले रोंदे जा रहे हैं जाहिलियत के जितने रसम थे रिवाज थे ये रस्मा रिवाज आम पूरे मैं मेरे पैरों के नीचे डाल के कुचल रहा हूं बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रस्म नहीं चलेगी हमारे अब्बा करते थे हमारे दादा ऐसा करते थे हमारे बड़े ऐसा करते थे पहले से ऐसा करते हुए आ रहा कोई रस्म नहीं चलेगी कोई रिवाज नहीं चलेगा सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके चलेंगे ये सच्चे मुसलमान की निशानी है मेरे भाइयों याद रखो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाहिलियत के तमाम खून खत्म किए जाते हैं और जाहलीत

औरतों के मामले में अल्लाह से डरो बोले और उसके बाद क्या बोले और उन औरतों पर भी वाजिब है कि तुम्हारे हुकूक का लिहाज करे औरतों को बोले कि तुम भी अपने शोहरों का हुकूक अदा करो और औरतों को बोले तुम अपने शोहरों को उनकी इजाज़त के बगैर उनका माल खर्च मत करो उनकी इजाजत के बगैर उनका पैसा मत खर्च करो आया और तो उसके बाद बोले तुम्हारा शोहर जिसको पसंद नहीं करता उसको तुम अपने बिस्तर पे मत बिठाओ मत बुलाओ बोले मतलब क्या है इसका अगर तुम्हारा शोहर किसी को पसंद नहीं करता उन्हें घर में नहीं आना तुम उससे बात नहीं करना शोहर को पसंद नहीं है औरत के लिए यह जरूरी है कि ऐसे शख्स से बात ना करे ऐसे शख्स को अपने घरों में ना बुलाए वरना यह लड़ाइयाँ झगड़े आज दो हम आज जो हम, हम हमारे माशरे में देख रहे इन्हें खलेरा है इन्हें मुमेरा है इन्हें तायरा है किस किस के साथ जो बातें होते किस किस को बुलाया जाता यह तमाम अल्लाह के रसोलसम ने कहा कि तुम्हारा शोहर पसंद नहीं कर रहा तो तुम भी इन लोगों को घरों में मत बुलाओ फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया आए मर्दो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे औरतों को खिलाओ तुम्हारे औरतों को अच्छे तरह से पहनाओ यानी तुम जैसा नए कपड़े पहनते तुम्हारे औरतों को भी पहनाना और तुम्हारे औरतों को खिलाना खिलाने और पहनाने की जिम्मेदारी मर्दों की है बोले हमारे लेकिन आज हम मुसलमान पूरी चीज़ें औरतों के ऊपर ही बोझ बन के कई लोग हैं हर चीज़ में खाने की जिम्मेदारी ससुराल से आना पीने की जिम्मेदारी पहनने की जिम्मेदारी हॉस्पिटल के खर्चे पूरे ननियल वाले ननियाल वाले बीवियाँ ये सब चीज़ें लेके आना बोल के औरतों के पास से पैसा ले रहे औरतों के खर्चे पे जिंदगियाँ गुजार रही है जायज़ नहीं है यह हराम होगा मेरे भाइयों मर्द है शादी कर लिया तो शादी से लेकर मरते दम तक अपनी बीवी बच्चों का खाना और कपड़े की जिम्मेदारी मर्द की है याद रखो फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्ला

हक़ हाँ किसका है अगर बाप मर गया बेटों को कितना मिलेगा बेटियों को कितना मिलेगा माँ बाप को कितना मिलेगा विरासत की पूरी तालीम दी अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इसी तरह फितने दज्जाल से भी डर आए अल्ला के अलैहि वसल्लम। दज्जाल आने वाला है उसकी तफसली गुप्त अल्लाह के रसोल सल्ला वसलम हजतुलवि के मौके पर बताए थे और अल्लाह के रसोल सल्हल ने फरमाया लोगों शिरक मत करो ऐ लोगो अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर मत बनाओ शरीक मत करो वरना तुम्हारा कोई अमल भी कबूल नहीं होगा कई मरतबा हम सुने किसी की कुर्बानी कबूल नहीं होगी किसी की नमाज़ कबूल नहीं होगी किसी के रोज़े कबूल नहीं हो गए अगर तुम एक अल्लाह की इबादत करते हुए मुर्दों के सामने झुकते हो दरगाहों के सामने झुकते हो तावीज़ा लटका लेते हो नींबुआ और नारियलों पर भरोसा करते हो यह अल्लाह ताला के साथ पार्टनर बनाना हुआ यह शिर्क है बहुत बड़ा गुनाह है इसलिए इस गुनाह से बचो बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबे में भी फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगो कतल मत करो ऐ लोगो चोरी मत करो ऐ लोगो जना मत करो एक दूसरे को मर्डर करना जायज नहीं चोरी करना जायज नहीं जीना करना जायज नहीं है आज जीना तो इतना आम हो गया है इतना आम हो गया है कि इसकी तो कोई हद ही नहीं रही शादी से पहले भी नौजवान जिना शादी के बाद भी जीना एक दूसरे के साथ अफेयर्स अल्लाह के लिए गौर करो ये बहुत बड़ा गुनाह है इससे बचने की जरूरत है मेरे भाई उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ उन दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़ लेना कभी गुमराह नहीं होगे वह दोनों चीज़ें क्या है एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत एक रिवायत में है खुलफाए राशिदीन का तरीक़ा कुरान को मजबूती से पकड़ो और सहाबा के तरीक़े को मजबूती से पकड़ो गुमराह नहीं होते तुम अगर कुरान छोड़ दिए सहाबा का तरीक़ा छोड़ दिए अपने बड़ों की बातों पर अमल करे अपने ख़ानदान वालों की बातों पर अमल करे तो फिर गुमराह हो जाते सीधे रास्ते से भटक जाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुदबे में ये ताक़ीदी हुक़्म दिए फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो क्या मैंने क्या मैंने पहुँचा दिया क्योंकि दीन मुकम्मल हो गया दीन कम्प्लीट हो गया कुरान पूरी उतरी उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से सवाल कर रहे आए लोगों क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हाँ तुमने पैगाम पहुंचा दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ उंगली उठाते हुए कहते हैं अल्लाह अयल्ला अल्लाह तो गवाह रहना अल्लाह तो गवाह रहना अल्लाह तो गवाह रहना तीन मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते हुए कहे अल्लाह तेरा जो पैगाम था मैं दुनिया वालों को इन लोगों को मैंने पहुंचा दिया और ये लोग भी गवाही दे दिए अल्लाह के रसूल तुम पैगाम पहुंचा दिए फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खबरदार आए लोगों खबरदार तुम में जो मौजूद है उनकी जिम्मेदारी है कि जो मौजूद नहीं है उन तक ये पैगाम पहुंचा दो यह आखिरी नसीहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले तुम अब ये जो एक लाख का मजबा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस वक्त अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मैं तो पहुंचा दिया तुम्हारे तक अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अगलों तक पहुंचाओ दूसरे लोगों तक पहुंचाओ तो वो जो एक लाख का मजबा था वही जो सुने थे सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही सहाबा फिर बाद में निकले तो आज वो जो हजतुलविदा में आखिरी खुतबा जो दिए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर जो दीन मुकम्मिल हुआ था वो दीन आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा मेरे भाइयों ये जिम्मेदारी हमारी भी है आपकी भी है मेरी भी है तुम्हारी भी है अल्लाह के रसूल का ये हुक्म हम सबके लिए है तुम जो बात सुने तुम्हारे को जितना मालूम है उतना तुम दूसरों तक पहुंचाओ जिनको नहीं मालूम है उन तक पहुंचाओ। एक हदीस सुने हदीस दूसरों को बयान करो एक आयत सुने एक आयत दूसरों तक पहुंचाओ। इस तरह दावत दीन का काम करो यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत थी तो ये हजतुलवि विदा के मौके पर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुबा दिया था उसमें से चंद अहम बातें थी जो आप लोगों के सामने मैंने रखा उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ आगे होंगी अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी अतः फ़रमा अल्लाह हम सब अभी जो कुरबानी हम देने वाले हैं अल्लाह हमारे कुरबानियों को तो कबुल फरमा ले अल्लाह हमारे इन नेकियों को कबुल फरमा ले अल्लाह कुर्बानी का जो असल मकसद है उस असल मकसद को जान के पहचान के तेरे दीन के लिए भी हमेशा जान और माल की कुर्बानी देने की हम सबको को अता फरमा अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजतुलवि के मौके पर जो भी नसीहतें की हैं अल्लाह उन तमाम नसीहतों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह हम सबको दावत तब्लीग तबलीग का काम करने की तौफीक अता फरमा ऐ अल्लाह कुरान व सुन्नत की दावत अल्लाह कुरान व सुन्नत और कुरान व हदीस का इल्म हम सबको सिखा दे समझा दे और अमल करने की तौफीक दे दे और अल्लाह जितने भी लोग आज तक अभी भी कुरान व सुन्नत से दूर है शिर्क में पड़े हुए हैं बिदअतों में पड़े हुए हैं ऐ अल्लाह उनको भी तो हदायत दे दे हमारे घरों में चैन सुकून नसीब फरमा अल्लाह हमारे माहौल हमारे माशरे को अल्लाह अमन शांति सुकून वाला बना दे अल्लाह इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर म हो रहा है अल्लाह उस जुल्म को तो खत्म कर दे अल्लाह हम सब तेरे तेरी मदद के तेरी रहमत के उम्मीदवार है अल्लाह हमारे अमाल तो ऐसे नहीं है तुझे राजी कर सके लेकिन अल्लाह फिर भी उम्मीद तो तेरे ही ऊपर है तेरे सिवा हम किसी से मांग भी नहीं सकते तेरे सिवा किसी से पूछ भी नहीं सकते तेरे सिवा कोई मदद करने वाला है भी नहीं अल्लाह इसलिए तुझसे ही मांग रहे है अल्लाह हम है गुनागार बंदे लेकिन तेरी रहमत के उम्मीदवार है अल्लाह तो हम पर रहम फरमा अल्लाह मुसलमानों पर रहम फरमा अल्लाह मुसलमानों को चैन सुकून की ज़िंदगी अता फरमा अल्लाह तो जंग बदर में जैसे मुसलमानों की मदद करा था इसी तरह आज भी फ़लस्तन के मुसलमानों की तो गैब से मदद फरमा अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों को मुसलमानों के दुश्मनों को अल्लाह तो ख़त्म कर दे या उनको हिदायत दे दे अल्लाह तमाम मुसलमानों को भी नेकी यहाँ करने की और बुराइयों से बचने की तोफ़ी अता फ़रमा अल्लाह हम सबको मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे Allah, हम सबको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमा हम सबको को जन्नतफरदोस में अता फ़रमा वाखिराना अनहमदुल्ल रबालमी असल वरि वर्क